आप जोड़ के मैं कहूंगा अपनी पाकिस्तानी कौम को, इस टाइम आप सरेकी, पठान, सिंधी, पंजाबी ना बने, सिर्फ पाकिस्तानी बने। अब पाकिस्तानी बन के सोचोगे तो आपको लीडर सिर्फ इमरान खान नजर आएगा। इस टाइम सिर्फ इमरान खान, इमरान खान वाहिद लीडर है जो हमारी उम्मीद है, हमारी आखिरी उम्मीद की किरण है। खुदारा इमरान खान को मिस ना करो, इनको मिस ना करो। मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ, आप भी सपोर्ट करो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शयान भाई, आप देखें कनानी टीवी। दोस्तों आज की जो वीडियो ना कुछ मुख्तलिफ है। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात देखते हुए हर इंसान अपना वीडियो बना रहे, अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है मैं भी अपने दिल की राय अपनी कौम तक पहुँचाऊँ। सबसे पहले सवाल ये है कि दोस्तों जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अदम एतमादी का दाद लाई जा रही है, कोई वजह होगी क्या? वज़ीर-ए-आज़म ने चोरी, सर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने चोरी की है, करप्शन की है, मुल्क के साथ गद्दारी की है, कौम का दिल तोड़ा है, बेईमानी की है, कोई तो वजह होगी? कोई वजह भी नहीं है। लेकिन हमें समझ में ये नहीं आती, देखिए जब भी कोई करदार लाई जाती है, कोई ठोस सबूत होते हैं तब जाके ये अदम एतमाद की करदार लाई जाती है। लेकिन हमारी समझ से बाहर है, समझते बाहर क्या, हर पाकिस्तानी जानता है कि सीट की भूख है, सीट की प्यास है कि सीट हमें मिले, हमें हमारा हिस्सा मिले। मैं किसी पार्टी को बुरा भला नहीं कहूँगा, हर इंसान की अपनी सोच है, कोई किसको सपोर्ट करता है। लेकिन मैं एक पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी कौम का हिस्सा हूँ, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है मैं अपने दिल का जो इजहार है वो मैं कर सकूँ। तो दोस्तों मेरी पहली और आखिरी चॉइस है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जो एक मुस्लिम लीडर बन चुका है, जो एक आलमी लीडर बन चुका है, अपने मुसलमानों को इकट्ठा जोड़ने के लिए, जो फिरका बनाना, सोच को ख़त्म करना चाहते हैं, हम मुसलमानों को एक कौम बनाना चाहते हैं। यही वजह है जो मैं इमरान खान को मैं लाइक करता हूँ, मैं उनको फॉलो करता हूँ। देखिए दूसरी बात, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का किसी बाहर के मुल्क में इसका एक रुपया भी नहीं पड़ा हुआ, ना किसी बाहर के मुल्क में, ना इनका कोई बैंक बैलेंस है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई इनका कारोबार है। और तीसरी बात, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का उसकी पार्टी में, उसकी हुकूमत में उसका कोई करीबी रिश्तेदार दिखा दो, कोई वजीर है, मुशीर है, कोई एमएनए, एमपी है, हमें दिखा दो, नहीं होगा। और चौथी बात, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को कैंसर हॉस्पिटल शौकत खानम दिया है, लाहौर में, पेशावर में बन चुका है, मुल्तान में बन रहा है, कराची में बन रहा है, दुनिया की नंबर वन यूनिवर्सिटी जो लंदन में है, उस यूनिवर्सिटी की जो शाख है हमारे सरेकी वसैब मियाँ वाली में निर्मल हॉस्पिटल बनी गई है। बताओ आज तक जरदारी साहब ने या नवाज शरीफ ने कभी दिए, या हमारे मौलाना फजल रहमान ने कभी कुछ किया? तो मैं हाथ हाथ जोड़ के मैं कहूँगा अपनी पाकिस्तानी कौम को, इस टाइम आप सरेकी, पठान, सिंधी, पंजाबी ना बने, सिर्फ पाकिस्तानी बने। अब पाकिस्तानी बन के सोचोगे तो आपको लीडर सिर्फ इमरान खान नजर आएगा। इस टाइम सिर्फ इमरान खान, इमरान खान वाहिद लीडर है जो हमारी उम्मीद है, हमारी आखिरी उम्मीद की किरण है। खुदारा इमरान खान को मिस ना करो, इनको मिस ना करो। मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ, आप भी सपोर्ट करो। पाकिस्तान जिंदाबाद।